एवरीवन, आई एम सरोज पटेल, आई एम अ फाउंडर ऑफ ग्रामीण मदद काशी फाउंडेशन। जैसा कि आप सभी को पता है कि समाज में अगर कुछ भी चीज़ गलत होती है, चाहे वो प्रशासन के खिलाफ हो चाहे वो लोगों के खिलाफ हो, मैं अपनी आवाज़ हमेशा से उठाती आई हूँ और आगे भी उठाती रहूँगी बिना लीडर तक के साथ में। लेकिन आज आप मुझे बताएंगे कि मैं ये सही बोल रही हूँ या गलत कह रही हूँ, क्या आप मुझे सहमत है? आप वीडियो पूरा सुनिएगा, ध्यान से सुनिएगा और अगर आपको सही लगे तो आप इसे शेयर भी कीजिएगा। आज जैसे लॉकडाउन है, जैसे कि शाम को 5 बजे से जो है वो सरकार ने लॉकडाउन की जो है वो घोषणा किया हुआ है उदयपुर में, और बाकी शहरों में 9 बजे बाद है। और ये सारी चीज़ें हैं, जैसे कि मध्य प्रदेश में जो है वो कम्प्लीट लॉकडाउन लगा दिया गया है, 9 दिन का 10 दिन का जो है वो लगाया गया है। आप मुझे बताएंगे कितना उचित है, क्या ये रियली जो है वो वर्क करेगा, क्या ये इसका सोल्यूशन है? लॉकडाउन करना ही इसका सोल्यूशन है? जैसे कि हमारे प्रधानमंत्री ने भी बोला है कि अभी लॉकडाउन जो है वो कोई जो सोल्यूशन नहीं है, तो आप मुझे बताएं कि क्या लॉकडाउन जो है वो सोल्यूशन है? अभी आपको पता होना चाहिए कि जो लोगों की जो मृत्यु का जो आंकड़ा है, सुसाइड का जो आंकड़ा है, वो दिन प्रतिदिन जो है वो बढ़ता जा रहा है। पहले इसके पहले लोग थोड़ा बहुत बस अभी संभलने की कोशिश में ही थे, लोग बस थोड़ा संभल ही रहे थे कि ये फिर से सरकार ने ऐसी चीज़ें कर दिया। आप मुझे बताएं कि आखिर कब तक ये चलता रहेगा? कोरोना तो है वो अभी नहीं ख़त्म होगा, इतनी जल्दी तो ख़त्म होने वाला नहीं है, तो लोग क्या जीना छोड़ दें? लोगों ने पहले भी, मैंने एक चीज़ कही है कि लोग अगर कोरोना से नहीं तो भूख से मर जाएंगे, क्या करेंगे? लोगों के पास काम नहीं है, जॉबलेस हैं, बेरोजगार हैं, तो वो क्या करें? आत्महत्या कर ले? कई सारे लोगों ने इसका जो है वो रास्ता अपनाया है आत्महत्या का। आप देखिए इंटरनेट पर जो है वो बहुत सारे आंकड़े आपके सामने आएंगे, आप देख करके चौंक जाएंगे कि जो आत्महत्या का जो आंकड़ा है वो बहुत ज़्यादा बढ़ा हुआ है, पूरी की पूरी फैमिली ने जो है वो आत्महत्या किया हुआ है। तो लॉकडाउन करने से, तो अब जो 10 दिन का लॉकडाउन जो मध्य प्रदेश में हुआ है, जो महाराष्ट्र में हुआ है, जो कई सारे और भी शहरों में जो हुआ है, आप मुझे बताएं कि क्या गरीब इंसान, चाहे वो भारत का कोई भी, सिर्फ मैं उदयपुर की ही बात नहीं कर रही हूँ, मैं पूरे भारत की बात कर रही हूँ, कि लॉकडाउन करने से क्या वहाँ पर गरीब नहीं है? क्या वो नहीं मरेंगे? वो उनका जो काम धंधा है, जो कि शाम के समय शुरू होता है, या फिर जो पूरा दिन जो काम करने वाले हैं, वो अपना घर कैसे चलाएंगे? हम व्यापारी हैं, व्यापारी चलो हम अपना जैसे तैसे जो है अपना काम निकाल लेंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, लेकिन फिर भी जो छोटे छोटे काम करने वाले लोग हैं, ऑटो ड्राइवर है, आप उनके सोचिए, ऑटो ड्राइवर वो अपना कैसे घर चलाएंगे? उनका तो काम ही शाम के समय शुरू होता है। जो जितने भी होटल वाले हैं उनका सारा काम शाम को, रेस्टोरेंट वाले हैं, और कई सारे जो रेस्टोरेंट वाले हैं उन्होंने नया नया सेटअप शुरू किया है, कई सारे ने जो है अपना स्टार्टअप किया हुआ है, छोटे छोटे यंगस्टर जो बच्चे हैं, क्योंकि वो भी आगे ज़िंदगी में कुछ करना चाहते हैं, तो उन्होंने भी जो है अपना स्टार्टअप किया है। वो किस तरह से पैसे लेकर आए हैं, किस तरह से उन्होंने अपना सेटअप स्टार्ट किया है। और जनरली हम देखते हैं कि जो अभी गर्मी का समय है और सारे लोग जो है वो शाम के समय बाहर निकलते हैं, शाम के समय निकलेंगे तो वो कहीं कैफ़ेज़ वगैरह में जाएंगे, रेस्टोरेंट्स में जाएंगे, और वहाँ पर रेस्टोरेंट में जॉब करने वाले लोग भी जो है वो जॉबलेस हैं, और रेस्टोरेंट वालों का तो नुकसान है ही है। उसके साथ ही साथ कई सारी ऐसी चीजें हैं जो कि लोगों की जिंदगी में इफेक्ट लाएगी। तो क्या सलूशन है, आप मुझे बताएं कि क्या लॉकडाउन एक सलूशन है, या फिर जो है इसको लॉकडाउन नहीं कर करके लोगों को जागरूक किया जाए? और मैं एक और चीज लोगों से कहना चाहती हूँ कि क्या जरूरत है भीड़ में जाने की? क्या जरूरत है? आप अगर भीड़ में नहीं जाएंगे तो हम मर नहीं जाएंगे, हम भीड़ में जाएंगे तो हम मर जाएंगे। मैंने कई सारी सी जगह देखी है जहां पर कोई भी पालना नहीं की जा रही है, चाहे वो राजनीतिक रैलियां हो, चाहे वो कई सारे प्रोग्राम हो, चाहे वो हमारे त्यौहार हो, हमें उसको जो है अपने जिन लोगों को हम जानते हैं उन लोगों से मिलो, कोई मनाही नहीं है। आप किन के साथ बैठ रहे हो उनके लिए कोई मनाही नहीं है आपके, आप उनके साथ मत बैठिए, मत मिलिए, बस थोड़ा सा जो है वो गाइडलाइन का पालन ही तो करना है। क्या हमसे वो पालन भी नहीं हो पा रहा है? और फिर अगर सरकार जो है वो लॉकडाउन लगा रही है, तो अब मैं किसको दोष दूं? या तो लोगों को दोष दूं या फिर सरकार को दोष दूं? कौन है इसका दोषी लगाने का?
मुझे नहीं समझ आ रही है, लेकिन लोगों से मैं रिक्वेस्ट करती हूँ सरकार के पास, तो आई डोंट थिंक कि मेरा वीडियो कभी पहुँच पाएगा एंड लेकिन मैं लोगों से ज़रूर एक रिक्वेस्ट करती हूँ कि अभी भी समय है कि थोड़ा जो है अपनी हेल्थ का ध्यान रखें। जैसे ही आपको लगता है कि आपको आपको हल्का सा भी बीमारी जैसा फील होता है, तो जो घर में कई सारी रेमेडीज़ हैं जो कि जो डॉक्टर है वो उन्होंने बताई गई है, या कई सारे जो लोग हैं जानकार लोग हैं उन्होंने भी बताया गया है, तो क्यों ना उन चीज़ों को आप फॉलो करना शुरू करें। गर्म पानी पीना शुरू करें, हल्दी वाला पानी पीना शुरू करें, ऐसी कई सारी चीज़ें आपको भी पता है कि अगर आप उनको करेंगे तो आपको जो है ये बीमारी निकल जाएगी। आपको पता भी नहीं चलेगा कोरोना आपको कब हुआ और कब निकल जाएगा, इसीलिए अगर थोड़ा सा भी आपको ऐसा लगता है तो आप खुद को अपने आप को आइसोलेटेड कर लें, क्वारंटीन कर लें, और खुद ही जो है अपना ट्रीटमेंट, अगर थोड़ा सा लगता है और अगर ज़्यादा सीरियस होता है तो डेफिनेटली विल हैव टू गो टू द हॉस्पिटल, बट इसके पहले थोड़ा बहुत हमें प्रिकॉशंस रखने की ज़रूरत है। अभी भी मैं कह रही हूँ कि अपने जो है मुंह पर मास्क पहन करके ही आप बाहर जाएं। अपनी गाड़ी में हैं आप, अकेले हैं तो चलता है, लेकिन अगर आपके साथ में कोई और है तो मास्क लगाएं और ये सारी चीज़ों का पालन करें, क्योंकि आप जो है आपकी लापरवाही से ना जाने कितने बेरोज़गार जो लोग हैं जिनको अभी जॉब की जो है वो सर्चिंग में थे, उन्हें कहीं ना कहीं एक उम्मीद थी कि हाँ उम्मीद ही हमारी जॉब लग जाएगी, वो मर जाएंगे बेचारे। एक आपकी लापरवाही के कारण कई सारे लोगों का धंधा चौपट हो जाएगा। तो अभी भी समय है कि आप जो है वो अपना ख्याल रखें और अपने साथ साथ लोगों का ख्याल रखें, क्योंकि आपका ख्याल रखना बहुत ज़रूरी है, तभी हम लोगों का ख्याल रख पाएंगे। मध्य प्रदेश में जो लॉकडाउन हुआ है मैं उसका विरोध करती हूँ, ऐसा नहीं होना चाहिए। 10 दिन का लॉकडाउन, बेचारे कई सारे लोग जो है वो भूखे मर जाएंगे, जो रोज़मर्रा का काम करते हैं, जो रोज़ कमाते हैं, रोज़ खाते हैं, वो लोग मर जाएंगे। तो कृपया सरकार से मेरी, शिवराज सिंह सरकार से मेरी विनती है कि इसको जो है लॉकडाउन को हटाएं, व्यापारियों को जिंदा रहने दें एक बार। थैंक यू सो मच, और अगर आपको सही लगे तो आप जो है अपनी प्रतिक्रिया ज़रूर दें। थैंक यू।